तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशित कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर सोहन टेक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने वीडियोस को किस तरह अपलोड करना है। ऐसे चार टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आपको ये भी पता चल जाएगा वीडियोस को आप ऐप से अपलोड करते हैं या फिर गूगल में यूट्यूब सर्च करके उसकी वेबसाइट पे आप वीडियोस को अपलोड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर बता दूंगा। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वीडियोस अपलोड करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को जब भी आप अपलोड करें, वीडियोस को आप अनलिस्टेड में अपलोड करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियोस को अपलोड करने से पहले आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। थंबनेल उसमें लगाना पड़ता है, टैग लगाना पड़ते हैं, इन सब चीज का ध्यान आपको वीडियो में रखना पड़ता है। नंबर दो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि आपको अपने वीडियोस का टाइटल जो रखना है वो सर्चेबल टाइटल रखना है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी वीडियोस जो होती है वो बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं और जो टेक कैटेगरी बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके वीडियोस के सजेस्टेड में आपका वीडियो चला जाता है, जिससे दोस्तों आपके वीडियोस के वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों नंबर तीसरा टिप आपको क्या करना है, दोस्तों आप जब भी अपने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिखना है, दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन किसी का कॉपी नहीं करना है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको अपना वीडियो के हिसाब से बनाना है। उसके बाद चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में आप टैग्स डाल सकते हैं या फिर सर्चेबल टॉपिक्स, जैसे आपके जो वीडियो है वीडियो से रिलेटेड जो टाइटल होता है टाइटल से रिलेटेड ही टॉपिक्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, दोस्तों इससे आपके वीडियो को चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले देख ले कि बड़े यूट्यूबर्स ऐसा क्या टैग्स डालते हैं जिससे उनका वीडियो चल जाता है, उनका वीडियो रैंक हो जाता है, उनके टैग्स भी रैंक हो जाते हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही बड़े यूट्यूबर्स के टैग्स कॉपी कर लेने हैं और टैग्स कॉपी करके आप अपने वीडियोस में डाल सकते हैं। दोस्तों इससे भी आपको बहुत बड़ा वीडियो अपलोड करने में फायदा होगा। नंबर दोस्तों चौथा जो लास्ट टिप है वो दोस्तों जरूरी टिप्स है, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों चौथा टिप्स क्या है, आप जब भी वीडियोस अपलोड कर देते हैं दोस्तों, आप वीडियोस को अनलिस्टेड में अपलोड करने के बाद 5 से 10 मिनट दोस्तों उसको होल्ड करके रख सकते हैं और फिर चाहे उसके बाद आप अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, दोस्तों उसको वीडियो को जो टाइमिंग मिल जाती है वीडियो को पब्लिश होने के बाद, दोस्तों आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और आपके वीडियोस पर अगर क्लिक होता है दोस्तों आपकी वीडियो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा देखती है। दोस्तों तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों